हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड लक रेसिंग टिप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पिछले रेस की, जो कि था मैसूर रेस। टोटल 7 रेस का कार्ड था एंड जैसे मैंने कहा था कि संभाल कर के लिए, वैसे ही मतलब बहुत से अपसेट्स हो चुके हैं एंड ऑफकोर्स हमारा बहुत से सिलेक्शन बोर्ड पर नहीं रहा। बट मैंने कहा था कि पूरे दिन में मुझे सेकेंड रेस पसंद है, जो कि एनआरआई टच एंड स्माइल अराउंड, जो कि उसमें से स्माइल अराउंड विन हो चुका है। तो इसलिए ऐसा ही आपको पूरी रेस में आपको जो भी बेस्ट लगे वही रेस की करना है, तो तभी आप प्रॉफिट हो पाओगे। तो चलते हम बैंगलोर की रेस है आज की तरफ। बैंगलोर की रेस है डेट है 10/6/2023। टोटल है 7 रेस का कार्ड है। सो बैंगलोर रेस का कार्ड भी देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि थोड़ा टफ कार्ड है, मतलब कोई भी ट्राई कर सकता है, मतलब अपसेट्स होने का चांसेस बहुत है, तो इसलिए सोच समझ कर भी चांस लीजिए बैंगलोर रेस में भी। तो चलते हम बैंगलोर के फर्स्ट रेस की बात करते हैं, द रेयर जेम प्लेट डिवीजन 3 क्लास 4 1200 बीटर। बैंगलोर का फर्स्ट रेस का फर्स्ट चॉइस है 1 नंबर ऑफ मिस्टर हम्बल विशाल एंड गुंडे फॉरिन प्लेस, एंड सेकेंड चॉइस है 5 नंबर ऑफ सिल्वर स्विफ्ट सी उमेश फॉरिन प्लेस। सो बैंगलोर का फर्स्ट रेस मेरे सबसे ठीक ठाक ही रेस है, बोर्ड तो नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको समझ में आता है तो प्लेस का चांस लीजिए, क्योंकि विनिंग का कुछ कह नहीं सकता, तो ओनली प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं इसमें। तो देखे जाए तो यहाँ पे ज़्यादा तो मुझे मिस्टर हम्बल ज़्यादा पसंद है विशाल एंड मुंडे का। तो चलते हम बैंगलोर के सेकंड रेस में, तो एस्कॉट प्लेट मेडियम रेस 1400 मीटर। बैंगलोर का सेकंड रेस का फर्स्ट चॉइस है 7 नंबर हॉर्स थियानी अक्षय कुमार फॉर इन प्लेस, एंड सेकंड चॉइस है 4 नंबर हॉर्स रैम्बो ड्रीमर एस 01 फॉर इन प्लेस। सो बैंगलोर का सेकंड रेस भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक रेस है, बट मेडन रेस है तो इससे कुछ कह दे सकते, बट टॉप चौकी अक्षय कुमार 7 नंबर थियानी लास्ट रन अच्छा है, सेकंड हो चुका है, तो मेरे सबसे बोर्ड इजिली तो नहीं छोड़ना चाहिए थियानी को। एंड रैम्बो ड्रीमर मतलब लास्ट टाइम 7th हो चुका है, मतलब पंप हो गया है, इसलिए इस वक्त अगर खुला फील्ड मिला तो ज़रूर ट्राई करेंगे एस 01। बट अगर इसमें भी आपको समझ में आता है तो चांस दीजिए, यहाँ पे ज़्यादा तो मुझे पसंद है तो 7 नंबर टेटिस थियानी अक्षय कुमार। तो चलते हम बैंगलोर के थर्ड रेस में, द रेयर जेम प्लेट डिवीजन 2 क्लास 4 1200 मीटर। बैंगलोर का थर्ड रेस का फर्स्ट चॉइस है 3 नंबर ऑफ मैक्रॉन ए आर प्रदीप फॉर इन प्लेस, एंड सेकंड चॉइस है 4 नंबर ऑफ फ्लेमिंगो रोड बी एल पासवान फॉर इन प्लेस। तो बैंगलोर का थर्ड रेस में बोल सकता हूँ थोड़ा टफ है, क्योंकि हमारा जो बेस्ट है 3 एंड 4 लास्ट रन तो इस सबसे अच्छा है बैकग्राउंड एंड फ्लेमिंगो रोड, बट जॉकी मुझे पसंद है ए आर प्रदीप और बी एल पासवान, मतलब कभी तो भी इन लोगों को विनिंग का चांस देते हैं। आई होप इस वक्त इन लोग ट्राई करेंगे तो ज़रूर बोर्ड पर आएगा, तो अगर इसमें समझ में आता है तो आपको तो चांस लीजिए, नहीं तो वरना स्किप कर दीजिए रेस थर्ड रेस। तो चलते हम बैंगलोर के फोर्थ रेस में, द मांजरी स्टड प्लेट क्लास 3 1200 मीटर। बैंगलोर का फोर्थ रेस का फर्स्ट चॉइस है 4 नंबर ऑफ क्राउन कॉन्सर्ट यश नरेडू फॉर इन प्लेस, एंड सेकंड चॉइस है 3 नंबर ऑफ श्रीपिटाका पी सी दराजू फॉर इन प्लेस। सो बैंगलोर का फोर्थ रेस में भी बोल सकता हूँ थोड़ा टफ रेस है, यहाँ पे मतलब कोई भी चांस मार सकता, मतलब ट्राई कर सकते, तो इसलिए सोच समझ के चांस लीजिए। अगर यहाँ पे मुझे ज़्यादा तो 4 नंबर ही पसंद है क्राउन कॉन्सर्ट, अगर वेल ड्राइव मतलब ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो विन भी मार सकता है, बट आपको समझ में आता है तो ही चांस दीजिए, वरना स्किप कर दीजिए। तो चलते हम बैंगलोर के फिफ्थ रेस में, द ब्रिज आरसीआर हिल मेमोरियल ट्रॉफी क्लास 3 1800 मीटर। बैंगलोर का फिफ्थ रेस का फर्स्ट चॉइस है 6 नंबर ऑफ माइटीजो अक्षय कुमार फॉर इन प्लेस, एंड सेकेंड चॉइस है 3 नंबर ऑफ स्टॉर्मी ओशन पी ड्राइवर फॉर इन प्लेस। तो बैंगलोर का फिफ्थ रेस मेरे सबसे अच्छी रेस है, इसमें चांस ले सकते हैं विनिंग प्लेसिंग का, और पूरे दिन में मुझे यही रेस पसंद है फिफ्थ रेस, और मुझे दोनों ही पसंद है 6 एंड 3 माइटी जो एंड स्टॉर्मी ओशन, दोनों ही बेटर घोड़े, दोनों पे टॉप जॉकी है, मतलब जरूर बोर्ड पे हो गए। अगर आपको जो भी पसंद हो तो इसमें आप विनिंग प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो चलते हम बैंगलोर के सिक्स रेस में, द नवाब एम अरशद अली खान मेमोरियल कप क्लास 1 1400 मीटर। बैंगलोर का सिक्स रेस का फर्स्ट चॉइस है 8 नंबर ऑफ मॉन्टीवर्दी इंदू सिंह फॉर इन प्लेस, एंड सेकंड चॉइस है 1 नंबर ऑफ ब्लैक ऑनिक्स टी एस जोधा फॉर इन प्लेस। तो बैंगलोर का सिक्स रेस में भी बोल सकते हो कि यहाँ पे भी टोटा टॉप है, बट ओपन कार्ड है, ओपन रेस कार्ड है,
सब ट्राई पे रहेंगे क्योंकि कप की रेसेस हर कोई ट्राई करेगा, पर हमारा जो बेस्ट है 8 एंड 1, क्योंकि ये दोनों लास्ट टाइम बड़े फील्ड में जाके आ चुके हैं, तो इस वक्त चांस बनता है दोनों का। बट इसमें मुझे ज़्यादा तो पसंद है तो 1 नंबर ब्लैक ऑनिक्स, क्योंकि फुल फॉर्म में घोड़ा ब्लैक ऑनिक्स, तो इसी फॉर्म के बदौलत मतलब बोर्ड पे रहना जरूरी है ब्लैक ऑनिक्स को। सो इसमें आपको जो भी बेस्ट लगे उसका आप चांस दे सकते हैं। तो चलते हम बैंगलोर के 7th एंड द लास्ट रेस ऑफ द डे, द रेयर जेम प्ले डिवीजन 1 क्लास 4 1200 मीटर। बैंगलोर का 7th रेस का फर्स्ट चॉइस है 2 नंबर ऑफ पावरोटी जे एच आर रूल फॉर इन प्लेस, एंड सेकेंड चॉइस है 4 नंबर ऑफ स्टार अबाउट एस जॉन फॉर इन प्लेस। बैंगलोर का 7th रेस ठीक ठाक ही रेस है, अगर इसमें आपको जो भी बेस्ट लगे उसका चांस ले सकते हैं, क्योंकि मुझे दोनों ही पसंद है 2 नंबर एंड 4 नंबर, पर ज़्यादा करके तो 4 नंबर रेड स्टार अबाउट। तो इसमें आपको जो भी बेस्ट लगे उसका चांस लीजिए, एंड ऑड्स जरूर देखना, ऑड्स पे आपको समझ में आ जाएगा किसका चांस बनता है। तो ये रहा हमारा बैंगलोर रेस का 7th रेस का सिलेक्शन, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पूरी रेस खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो रेस आपको बेस्ट लगे वही रेस कीजिए, तभी आप प्रॉफिट हो सकोगे। सो बेस्ट एंड गुड लक फॉर दी बैंगलोर रेस, तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेस के साथ।